नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और भाई साहब एक छोटी सी समस्या हमारे सामने आई है और 485 वाई सर के साथ हमारे साथ ये मेरे साथ इस ट्रैक्टर में पहली बार और 485 इसके पहले मेरे पास था 2009 के आसपास एक लाल रंग का एक बार उसमें आई थी। ठीक है, तो अभी समस्या क्या है मैं पहले वो समझाता हूँ फिर उसके बाद सोल्यूशन भी बताऊँगा। तो आप देख रहे हो ये जो ट्रैक्टर है ये एयर कूल इंजन होता है, इसमें ये पंखे लगे होते हैं, तीन सिलेंडर है, तीनों सिलेंडरों के ऊपर पंखे लगे हैं। ये पंखों के ऊपर ये जाली लगी हुई थी जो हमने खोल दिए ये ऐसी, ओके, ताकि कचरा जो है अंदर ना जाए। तो क्या हुआ, हमने ये हमारे गांव के एक सज्जन को मांगने पे दिया था उधार कि हमको थोड़ी सी थ्रेसिंग करनी है, तो मतलब उसकी कोई केयर ही नहीं करी ट्रैक्टर की और थ्रेसर चल रही है उसका जो भूसा है वो उड़ के ट्रैक्टर के ऊपर ही आ रहा है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ अंदर बहुत सारा था, ये देखो ये पड़ा है ना इतना, ये यहाँ पे ये भी इसी में से निकला रात को, ये हमने रात को निकाला है ना, ये यहाँ भी पूरा फंसा पड़ा था पूरा। ठीक है, ट्रैक्टर को चालू कर रहे हैं अपन, थोड़ी देर में फुल गर्म हो जा रहा है फुल। तो अभी आप देखोगे ना, मैं तो दिखाता हूँ अभी दिखा, ये देखो ये तीनों के तीनों जो सिलेंडर्स हैं उन पे देखो आप, और एक ही तरफ नहीं दोनों तरफ, यहाँ भी सेम सिचुएशन, दोनों के मतलब तीनों के तीनों सिलेंडर में इस बाजू ना इस बाजू यहीं से हवा जो है पास होकर निकलती है और ये ऊपर से लेकर नीचे तक ठसे पड़े हैं। मतलब यार किस प्रकार से चलाया है मुझे समझ में नहीं आ रही, मुझे चलाते हुए मतलब हमारे आदमियों को चलाते हुए इतना समय हो गया है। आप इस तरफ से देखेंगे ना तो यहाँ से भी आपको दिख जाएगा पूरा फंसा पड़ा है, ये भयंकर है ना, भूसा ही भूसा, मतलब बारीक बारीक वाला जो होता है ना रफी टाइप का जो पाउडर फॉर्म में वो तो आर पार निकल जाता है लेकिन ये मोटे वाले फंस जाते हैं। अब ये कैसे चलाया है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मतलब ये धूल टाइप का ऐसा भूसा होता है ना वो तो निकल जाता है वो उस पार फेंक देता है लेकिन ये फंस जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर धूल भी आती है ना तो वो उसमें जगह बना लेती है और ब्लॉक। अब ट्रैक्टर ऐसे गर्मी बता रहा है, इस ट्रैक्टर की खास बात पता क्या है कि कितना भी लोड पड़े कुछ भी हो जाए ये गर्म नहीं होता, कैसे चला लो आप बिना रेडिएटर का ट्रैक्टर कभी गर्म नहीं होता एयर की वजह से, कितनी गर्मी पड़ रही हो, फुल गर्मियों के दिन हो चाहे ठंड के दिन हो कुछ नहीं होता। लेकिन कल ये कल्टीवेटर पे भेजा मैंने हांकने के लिए, खेती नहीं हांक पाया भैया, गर्म हो जाए, फिर वापस लौट आया और यहाँ पे फिर हमने खोला रात को, तो ये हाल है। तो अभी मैंने फ़ोन कर दिया है जो आयसर शोरूम है हमारा यहाँ पे किसान ट्रैक्टर राजेंद्र भाई साहब, वो आयसर यहाँ का जो आयसर वर्कशॉप है शोरूम है बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्पफुल लोग हैं, आप बोलो ना वहीं पे फील्ड पे ही आ जाते हैं, लेकिन हमने सोचा परेशान करना सही नहीं है, सीजन का समय है कल करवा लेंगे, तो उनको बुलवाया है वो आएंगे। वैसे खोल हम भी सकते हैं लेकिन सही पाने नहीं हुए, कुछ ख़राब हो गया तो और खर्चे बढ़ जाएंगे, इसलिए हमने उन्हीं को बुलाना उचित समझा। तो वो आ रहे हैं फिर इसको ये पूरा खुलेगा, मतलब ये जो लगी है ना ये एक फ्रेम लगा हुआ है, पिस्टन जिसमें चलते हैं ना ब्लॉक वो चारों तरफ से मतलब कवर लगा हुआ है, एक नट ये एलंकी नट है ना, और उस तरफ से ये पूरा का पूरा खुलेगा, ये लाइन खुलेंगी है ना, और ये भी इसमें भी चेक करेंगे कहीं इसमें तो कुछ नहीं चला गया क्योंकि हवा तो यहाँ से भी आती है, तो वो सब चेक करने, इंजन में ना चली गई हो वो सारी चीज़ें अपने को। तो एयर क्लीनर है यहाँ से ये खींचता है हवा, फिर फ्रेश एयर यहाँ आती है और ये ऑक्सीजन भेजता है ये पिस्टन के पास, जिससे ऑक्सीजन और डीजल सब मिल के फायर होता है, मतलब ये जो है ना ये कम्बस्टन चैम्बर होता है जहाँ पे फायर होती है आग लगती है, और फिर उससे क्या होती है पिस्टन ऊपर नीचे ऐसे होते हैं, ये पिस्टन की संख्या लिखी है 1 3 2, पहले ये जाएगा, पहले ये नीचे जाएगा, फिर ये वाला जाएगा, फिर बीच वाला जाएगा, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये इतना जो एरिया होता है ना ये ठंडा इसलिए किया जाता है क्योंकि ये कम्बस्टन चैम्बर होता है, इसमें फायर जलती है और यहीं पर जाके ये, अब वो फायर तो जल रही है लेकिन वो ठंडी नहीं हो पा रही है बॉडी, तो इसी के लिए ये यहाँ पे कूलिंग सिस्टम रहता है, और जो रेडिएटर वाले होते हैं उसमें यहाँ पे एक ब्लॉक बने रहते हैं दोनों साइड, उसके अंदर से क्या होता है ठंडा रेडिएटर से जो कूलेंट ठंडा होके आता है वो यहाँ जाता है और वो गर्म होके फिर आगे निकल जाता है और ठंडा ऐसे रोटेट होता रहता है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी दोनों होती है, मैंने दोनों ही समझा दी, और इसमें जो है वो जो सिस्टम है अपना ख़राब हो रखा है, अभी जाम हो गया है। अच्छा इसमें और मैं समझा देता हूँ, देखो इसमें वो सिंपल रहता है, जैसे ये दोनों ट्रैक्टर खड़े हैं ना रेडिएटर वाला, ये देखो
ये मैंने नोवो खोल दिया है। अभी देखो आप, ये रहा रेडिएटर, और ये जो एरिया रहते हैं ना, ये इनके अंदर पानी भरा रहता है। उस तरफ से देखो, दोनों साइड से वो जो कंबस्टन चैम्बर रहता है ना, उसके आसपास सब में पानी भरा रहता है। उससे क्या होता है कि वो जो एरिया है वो ठंडा रहता है ना। सभी सिर्फ आईसर के ही ये ट्रैक्टर हैं। ये हो गया 368 हो गया, 242 हो गया, सिर्फ यही ट्रैक्टर हैं जिनमें ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। देखो अब ये सिंगल सिलेंडर है, इसके ऊपर भी ये पत्ती लगी हुई ताकि हवा जो है गर्मी को पूरा शांत करने के बाद बाहर जाए। अभी कुछ दिन पहले हमारी ये वाली रॉड ख़राब हो गई थी, हमने ठीक करवाई, तो जब वो आ जाएंगे ना मैकेनिक साहब तो मैं बताऊँगा उसमें कितना कचरा निकला। भैया आईसर से हमारे मैकेनिक साहब राजू भैया आ गए हैं, देख लो यार क्या हालत हो रखी है। हमने नहीं खोला क्योंकि शायद फिटिंग ना आए हमसे दोबारा, सही नहीं आती ना, आप करते रहते हो, आपको पता है, आपने ट्रेनिंग ली है कौन सी चीज़ कहाँ से। और यार सील है तो वो लोग रहे थे, सील को तोड़ना पड़ेगी, तोड़ना पड़ेगी, कवर निकालना पड़ेगा। अच्छा तो गारंटी वारंटी पे कोई फर्क नहीं? नहीं, अच्छा कंपनी के आदमी तो कर रहे हैं, पर क्या दिक्कत है? जाए बगैर तोड़े अपन पाना नहीं लगा सकते। अच्छा तो ये कंपनी सील देती है इसको, हर दोनों साइड, एक साइड की तोड़ दी है, एक साइड की और रह गई है, ये सील तोड़े बगैर इसको अपन खोल नहीं सकते। इस तरह की सील आती है, दोनों साइड लगी थी, और अब ये नट खोलेंगे और ढक्कन बाहर आएगा। मशीन से कसाते हैं इसलिए टक की आवाज़ आ रही है, हमसे खुलता ही नहीं, हमारे पास ऐसा पाना ही नहीं है। पहली बार और बहुत ज़ोर से गर्मी बता रहा हो तो जो चले वो नाम ही नहीं ले रहा हो तो हम तो जैसे तैसे जहीं ले आए वापस। तो तीन नीचे की साइड देखो कितनी भयंकर धूल दिख रही है, जीसी को दुकान है ये, अपने चौक हो गई भयंकर चौक रखी है एल्युमिनियम के रेत हेड। हाँ ये एल्युमिनियम के अपने हैंगे हेड। हाँ तो ये का है गरम हो जाए, क्या भयंकर ठसी है यार, बहुत सारा तो मैंने हवा मार के निकाल दिया था। तो क्यों गरम ना दबड़ी रही, तुमने ध्यान दे लो। आगे हवा वाली व्यवस्था और मारो नीचे की तरफ से, नीचे
पार जा नहीं रही है। ट्रैक्टर चालू हो गया है। आती हवा यहाँ से